हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे घर में बन रहा है बिहार स्पेशल लिट्टी चोखा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बैंगन के भरते की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने बड़ा सा बैंगन, दो टमाटर, एक हरी मिर्च और दो तीन लहसुन की कलियां, जिसको इसके अंदर ही फिक्स करके और इसको पकने के लिए रख देंगे हम। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक हमारा ये पक रहा है, तब तक हम सत्तू का भरता बना लेते हैं, जिसके लिए लिया है मैंने सत्तू, क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। साथ में लिया मैंने कलौंजी और अजवाइन, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट। यहाँ पे इसमें ऐड किया है मैंने तेल, लेमन जूस। साथ में ऐड किया है मैंने थोड़ा सा पानी, ताकि ये ज़्यादा सूखा सूखा ना लगे, और साथ में धनिया के पत्ते, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा भरता हो गया है तैयार। तब तक हम अपना आटा गूंध लेते हैं। तो अब हम तैयार कर लेते हैं आटा, जिसके लिए लिया है मैंने घी, फ्रेश मलाई और ब्लैक सॉल्ट। अगर आप फ्रेश मलाई ऐड करते हो ना, तो इससे आपकी लिट्टी बहुत ही खस्ता बनेगी। और साथ में मैं इसे गर्म पानी से गूंध रही हूँ, तो उससे आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है हमारा। तो सबसे पहले हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके और सूखा मिक्स कर लेंगे सबसे पहले अच्छे से। तो यहाँ पे जब हमारा सब अच्छे तरह से मिक्स हो जाएगा, तो उसके बाद हम धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए पूरी के लिए जैसे आटा रखते हैं हम, वैसा आटा गूंध लेंगे और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमारा बैंगन भी अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम छील लेते हैं और साथ में मैश कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है मैंने, जो मैंने पकने के लिए रखा था बस उसे मैश किया है। और साथ में ऐड किया है मैंने नमक, सरसों का तेल, तेल थोड़ा सा ज़्यादा रखना आप, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ में धनिया के पत्ते, और सारे मिक्स करके बस हो गया हमारा भरता तैयार। तो यहाँ पे मेरा बैंगन का भरता, सत्तू का भरता और चटनी तैयार हो चुका है। मैं चटनी का क्लिप नहीं ले पाई हूँ आज, वो फिर कभी शेयर कर दूँगी आपको। तो अब मैं लिट्टी भी भर लेती हूँ। इसको अच्छे से हल्के हाथों से दबाते हुए आपको सत्तू स्टफ़ करना है इसमें। सत्तू थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ताकि आटा आटा टेस्ट ना आए बहुत ज़्यादा। और इसको अच्छे से गोल घुमाते हुए बंद कर देना है, और उसके बाद इसी तरह से आप सारी लिट्टी स्टफ़ कर लेना। तो मैं पहले ये सब तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद इसको सेक लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने अपने लिट्टी सारे स्टफ़ कर लिए हैं, और साथ में मेरा पैन भी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं एक एक करके इसको डाल दूँगी। गैस का फ्लेम बिल्कुल सीम रखना, ताकि ये जले ना। धीमी आंच पे बहुत अच्छे से पकता है, और इसको ढक के छोड़ देना है। बीच बीच में इसको देखते रहना और साथ में पलटते रहना है। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। थोड़े देर बाद ही हमारी लिट्टी बन के हो चुकी है तैयार। यहाँ पे सारी लिट्टी तैयार हो चुकी है मेरी। अब यहाँ पे हमारे पास कोयला तो है नहीं, तो इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये लिया है मैंने एक स्टैंड, ये आपको कहीं भी बर्तन के दुकान पे आसानी से मिल जाता है। तो उस पर आपको थोड़ा इसको बिल्कुल सीम फ्लेम पर घुमाते हुए थोड़ा सा इसको रोस्ट करना है, मतलब थोड़ा सा ऐसे स्मोकी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा जलाना है इसको। उसके बाद बहुत सारा घी ऐड करना है। बस हमारी लिट्टी हो चुकी है तैयार। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।